जवाब रहा है। आइए एक छोटा सा गीत, छोटा सा गीत, बहुत हल्का सा, नन्हा मुन्ना सा, छोटा सा। चूंकि मैं गाढ़े गाढ़े गीत हो रहे हैं, गाढ़े मधु भाई जी, जी गाढ़े गाढ़े गीत हो रहे हैं, हाँ गाढ़े गाढ़े, बहुत गाढ़े। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल, आप कोई देख के गाएंगे। मैंने ये किसी कलाकार को जवाब दिया था, तो मैंने कहा चलो आज इसी को गा दिया जाए। और क्या बेटे, बिल्कुल उसी को गाओ आज। और मतलब भाई आप समझ जाएंगे कि ये किसका जवाब हो सकता है। फिल्म दुनिया वाले कह रहे हैं क्या, अरे मेरा दिल भी जाना बेकरार हो न जाए। गाना फिल्मी दर्ज पर तो चाहे जा बच जाएगी, और क्या, लेकिन लेखनी पर बजनी चाहिए। और ये सवाल नहीं है, जवाब है। हाँ ये जवाब है, सुनना सुनना भैया जी। बोले के जैसा भंडार नहीं मिलता, नहीं है दानी राजा बलिसा, नहीं है दानी हनुमत सा भक्त राज नहीं, भीष्म जैसा नहीं प्रणधारी, भीष्म जैसा नहीं प्रणधारी, तुलसी सा कवि राज नहीं। भैया जी नरसिंह जैसा अवतार नहीं मिलता, जैसा
क्या क्या नहीं मिलता बेटा। ध्रुव के जैसा नहीं है तारा, अंगद सायुब राज नहीं, अर्जुन जैसा नहीं धनुर्धर, अर्जुन जैसा नहीं धनुर्धर, और सचिन सा बल्लेबाज। अगर कपिल देव जैसा कप्तान नहीं तो सचिन के जैसा बल्लेबाज नहीं। बिल्कुल सही है। सच्चाई ये है हमारे इंडिया की टीम आज के इस समय में क्या पहले से ही एक नंबर चली आ रही है। और क्या और क्या, आज जो हमारे कप्तान है रोहित शर्मा जी, हर दिलों की धड़कन है। बिल्कुल। लेकिन सचिन सचिन क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। और क्या, एक नंबर। बोलो भैया। बामन के जैसा पहरेदार नहीं मिलता। और एक बात हो दो क्या, केवट के जैसा होशियार नहीं मिलता, गीता के जैसा कोई सार नहीं मिलता, पूज बिरजू जैसा नृत्यकार नहीं ये तुम कहना, कान में कह दो। हाँ कह दो, जरा सुनेगा बड़े भैया, कह दो कान में कह दो। ये हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार हैं भैया, और एक बहुत ही अच्छी सुरीली कलाकारा हमारी बहन ज्योति कमल जी, आप उनके मंडल के संचालक हैं और उनके पतिदेव भी हैं। अरे वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया की ओर से। 101 पद मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, ये शेर हमेशा बना रहे। कान में गा दो। और 101 पद मुद्राएं हमारे चाचा जी और प्रदान कर रहे हैं, धन्यवाद। लेके सुनेगा, सुनिए सुनिए। पूज बिरजू जैसा नृत्यकार नहीं मिलता, तानसेन जैसा संगीतकार नहीं जैसा, सूर्य जैसा तेज नहीं है, दशरथ जैसा नरेश नहीं, सूर्य जैसा तेज नहीं है, दशरथ जैसा नरेश नहीं, भीम जैसा नहीं बलशाली, भीम जैसा नहीं बलशाली, और भारत जैसा देश नहीं। बहुत सही। भीम जैसा नहीं बलशाली, भारत जैसा देश नहीं। तुम्हारी रंजी जी, विष्णु का जैसा पालनहार नहीं मिलता, राम का जैसा संस्कार नहीं मिलता, दिल्ली समीना बाजार नहीं भगत सिंह जैसा सरदार नहीं मिलता।
मोदी के जैसा तो आइए गीत कह रहा है दिल में टुकड़ा क्या अरे कि मेरा दिल भी जाना और रब करे इनको भी प्यार हो जाए क्योंकि हम इन सब चीजों से बड़ा दूर रहते हैं मेरा दिल भी जाना मेरा दिल भी जाना बेकरार हो न जाए तो रब करे इनको भी प्यार हो बड़े भैया आपने कहा मैं जवाब को पढ़ रही हूँ जब कोई कलाकार सवाल के जवाब को गाता है दादाजी मधुब जी तो वो गीत और कठिन हो जाता है क्योंकि पहले कुछ अच्छा हंस रहे हैं सब मतलब जान रहे हैं क्योंकि पहले किसी ने गाया उसके बाद आपने जवाब दिया अब उस जवाब के जवाब में जवाब ढूंढ के तो समानिया कल्पना जी सुनिएगा प्रयास कर रहा हूँ आदरणीय जनता जनार्दन से निवेदन है बड़े मन लगा के आप सुन रहे हैं तालियां बजे अथवा ना बजे लेकिन आप सुनिएगा जरूर जवाब की लाइन सार्थक लाइन मिल जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा वरदान देते हुए काफी देवताओं को देखा है टीवी के माध्यम से सुना है पढ़ा भी ब्रह्मा जी वरदान दे रहे हैं तमाम सारे लोग लेकिन एक वरदानी ऐसे हैं जिनका कोई सानी नहीं और वो है कौन कौन क्योंकि वो ऐसे वरदानी है कि वो कालों के काल महाकाल है जयचंद बहुत भरे पड़े हुए हैं चाहे जहां ढूंढ लो आजकल तो जयचंदों की भरमार है बिचारे दादा किसी परिवार में देख लीजिए आप कोई पढ़ा लिखा सज्जन व्यक्ति अपना परिवार चला रहा है कुछ लोग पहुंच जाते हैं आजकल बड़ा खुश दिख रहे हैं आजकल खुशी बहुत दिख रही है और दादा यकीन मानिए भैया सीटी बंद कर लो मानिए यकीन मानिए आजकल मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ परसेंटेज है लेकिन आदमी के अंदर अपने दुख को देखकर वो कम दुखी है अपने दुख से व्यक्ति कम दुखी हो पड़ोसी के सुख से वो कुछ ज्यादा ही दुखी और जयचंद को छोड़िए लेकिन और दुखी किसी के जैसा कोई क्योंकि वो तो कालों के काल महाकाल है शिव के जैसा कोई वरदानी नहीं मिलता और बड़े भैया कल्पना जी कि शिव के जैसा कोई वरदानी नहीं मिलता वेद अभ्यास जैसा कोई ज्ञानी नहीं मिलता वेद अभ्यास जैसा
गंगा जल जैसा यही है। धन्यवाद। क्या बात, घर का गीत है या पंच का है, मैं पंच में प्रयास कर रहा हूँ। प्यास जैसा कोई ज्ञानी नहीं मिलता, गंगा जल जैसा कोई पानी नहीं मिलता, गंगा जल जैसा कोई पानी नहीं मिलता। कुछ बातें आपने और जोड़ी है, प्रयास कर रहा हूँ दादाजी। कृष्ण सुदामा सीमित त्राई, कृष्ण सुदामा शिव मिताई, राम सा भ्रातृत्व कहाँ। सिर्फ पिताजी के वचनों की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। पन्ना पन्ना जैसी भाई ना है, माता जैसा ममता तो कहाँ। अपने पुत्र को, अपने पुत्र को राजकुमार की सैया पर लिटा करके अपने, बताइए कौन ऐसी माँ होगी जो अपने पुत्र का बलिदान दे दे और दूसरे के पुत्र को बचा ले। और क्या भैया, ये करना बड़ी बात है। कृष्ण सुदामा सीमिताई, राम साधा पुत्र कहाँ। पन्ना जैसी भाए ना है, माता जैसा ममता तो हर्ष चंद्र जैसा कोई दानी नहीं मिलता। आपने कहा कर्ण जैसा कोई दानी नहीं मिलता, सही बात है, लेकिन जो अपना सब कुछ स्वप्न में दान कर दे उससे बड़ा दानी कौन होगा। बात है ये है, कर्ण के सामने तो लोग मांगने गए, लेकिन हरिश्चंद्र के सामने तो उनके सपने में स्वप्न में दान कर दिया हूँ। हरिश्चंद्र जैसा कोई दानी नहीं मिलता, पृथ्वीराज वीरता में पृथ्वीराज का कोई सानी नहीं मिलता। गंगा जल जैसा कोई पानी नहीं मिलता, गंगा जल जैसा कोई पानी नहीं मिलता। एक बात और कल्पना जी, बर्बरीक साना धनुर्धर, भगवान ने बर्बरीक की परीक्षा ली, कहा इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक बाण में बेच लो। आज बेचना शुरू किया तो एक पत्ते को भगवान कन्हैया ने अपने पैरों तले दबा लिया, लेकिन उस बर्बरीक का बाण आकर के कन्हैया के चरणों के चारों तरफ घूमने लगा। बर्बरीक सा बर्बरीक साना धनुर्धर, मर्यादा कहाँ राम सी। क्या बात। बर्बरीक साना धनुर्धर, मर्यादा कहाँ राम सी। आपने कुछ गद्दारों के नाम सुनाए, मैं भी पढ़ रहा हूँ। बर्बरीक साना धनुर्धर, मर्यादा कहाँ राम सी, माहिल शकुनी जैसा मामा दुष्चरित्रता आसा। ये बात, वाह, बताओ नाम के आगे पीछे राम लगा, लेकिन करनी है इसी। और क्या ले इसी बात को, ले बेटा। और हमारे सम्मानित बड़े भैया श्री विकास तिवारी जी, इन जवाब की पंक्तियों पर आदमी तिवारी जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है, नमन कर रहा हूँ। बर्बरीक साना धनुर्धर, मर्यादा कहाँ राम से, माहिल शकुनी जैसा मामा दुष्चरित्रता आसा राम से। अब भक्ति में पवन सुत ज्ञानी ध्यानी नहीं मिलता, है कोई भक्ति में हनुमान जी के जैसा कोई मिलता हो बताइए। सीने में छवि राम की दिख रही है, चीर दिया सीना। तो भक्ति में पवन सुत सा ज्ञानी ध्यानी नहीं मिलता, गंगा जल के जैसा पानी नहीं मिलता।
पंक्ति और पढ़ रहा हूँ, जो कि आपने तानसेन जी की बात की। सुनिए भैया, दादाजी तानसेन जी की बात की बिल्कुल यथार्थ है, मैं नमन करता हूँ उनके चरणों में। लेकिन एक बात मैं भी कहने जा रहा हूँ, आप की तालियां अपने आप बजेंगे। क्या क्या लता के जैसी कंठ को खिला, क्या बात है ये। आज के समय में अब तो वो नहीं है, जहाँ कहीं भी हो ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, लेकिन आज तक उनकी जगह कोई नहीं ले पाया। चाहे जितने भी कलाकार आ जाए, लेकिन लता जी के जैसा कोई नहीं बन सकता। धन्यवाद। लता के जैसी कंठ को खिला, आपने कहा सचिन जैसा बल्लेबाज, बिल्कुल सत्य है, वो तो हमारे देश के गौरव हैं। लेकिन कुछ बात मैं भी लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपने बल्लेबाज की बात की है तो गेंदबाज तो आने चाहिए। और क्या, लता के जैसी कंठ को खिला, गुमराह सा गेंदबाज नहीं। क्या बात है, क्या बात है। सवाल पे जवाब भारी हो गया भाई साहब। ये हमारे सम्मानित छोटे भाई पुनीत, ये पुनीत बाबा जी हमारे समान्या ज्योति कमल जी के संचालक हैं, आप मंडल के। और ले भैया, ये सब सही जवाब पे है। ये हमारे सम्मानित छोटे भाई श्री ऋषि मिश्रा जी नगर पंचायत सिद्धौर से इन जवाब की पंक्तियों पर 101 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है ऋषि भैया। और ले भाई, यही तो दुकानदारी है। और हमारे सामान्य विकास तिवारी जी हमारे भैया की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हमारे दादाजी के लिए, आदरणीय अस्थी जी के लिए सादर नमन है। और हमारे पुनीत भैया की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और 101 पत्र मुद्राएं हमारे अस्थी दादाजी के लिए सादर नमन है। बस आपके आपके आशीर्वाद चाहूंगा। पंक्ति सुनिए, इसीलिए दादाजी अपना मोड़ बना के आए हैं। बिल्कुल मूल बना हुआ है यार, तो टहरे। देखिए मैं इसको बहुमूल्य पुरस्कार कहूंगा समानिया कल्पना जी। ये 11 पत्र मुद्राएं हैं। और क्या नाम बता दिया, सियाराम जी, विद्याराम जी, विद्याराम जी, अरे वाह। आप सम्मानित श्री विद्याराम जी 11 पत्र मुद्राएं पंक्तियों पर, बहुत बहुत नमन है भैया को। सुनिए गांधी पंक्तियां। हाँ सुने, लता के जैसी कंठ को खिला, गुमराह सा गेंदबाज नहीं। बाज सा दगाबाज ना है, सर्प सा दांवबाज नहीं। ये बात कब पलट के वार कर दे कुछ सांप करोटा सुकुल। अरे बाज सदगा बाज ना है, सर्प सर्प सदाव बाज नहीं। और आपने भगत सिंह की बात की, इसमें कोई शक नहीं है, गर्व है हमें, हमारे पूरे भारतवर्ष को गर्व है। और क्या, लेकिन चंद्रशेखर सा जैसा कोई बलिदानी नहीं मिलता। देख लिया कि मेरी बंदूक में सिर्फ एक गोली बची है, कहा इन अंग्रेजों से मारने से अच्छा है कि मैं अपनी गोली से खुद को मौत के हवाले कर दूं। क्या बात, चंद्रशेखर के जैसा कोई बलिदानी नहीं मिलता। और नाज है हमें मोदी जी और योगी जी पर, लेकिन समानिया कल्पना जी जिन्होंने उनको ये प्लेटफॉर्म बना के दिया, आज जिन पर वो राज कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर सब कोई बलिदानी नहीं मिलता। बात पसंद आए तब आपका आशीर्वाद चाहूंगा। और अटल अटल जैसा नेता स्वाभिमानी नहीं मिलता। क्या बात है, अटल जी से एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, कहा आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, कहा शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। कहा कि अगर आप शादी कर लीजिए तो आज से हम कश्मीर मांगना छोड़ देंगे। तो अटल बिहारी जी ने, ये मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, आपने भी सुना होगा, अटल बिहारी जी ने, सम्मानी अटल बिहारी जी ने कहा था कि शादी मैं कर लूंगा लेकिन दहेज में पूरा लाहौर लूंगा। अटल जैसा नेता स्वाभिमानी नहीं मिलता। गंगा जल के भारत माता
परमात्मा भगवान की जय।